हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आई दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से बेस्ड है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कि इन फिगर के हमें फिगर दी गई है कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। कि हमें ए बी सी एंड ए एम पी हमें टू राइट एंगल्स ट्रायंगल दी गई है, ठीक है। जहां पे बी के ऊपर बन रहा है तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, और एम पे बन रहा है ए एम पी पे, एम पे बन रहा है अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर है कि ए बी सी जो ट्रायंगल मेरी ए बी सी है वो सिमिलर है ए एम पी के। हम ये चीज प्रूव करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना दोस्तों, ठीक है। अब ए बी सी को ए एम पी के प्रूव करना है, तो लेकर चलते हैं ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, इन दोनों को लेकर चले। अब क्या है दोस्तों इसके अंदर है? तो बी एंगल भी कितने का है? 90 का है। एम एंगल भी कितने का है? 90 का है। यानी एंगल जो ए बी सी होगा, एंगल जो मेरा ए बी सी होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? एम वाले के, यानी ए एम पी के। ए एम पी के क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? बोथ 90 डिग्री है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, ए बी सी की बात हो रही है और ए एम P की बात हो रही है, तो दोनों के अंदर जो A एंगल वो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। देखिए A B C ये वाले ट्रायंगल और A M P, दोनों के अंदर A क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है ना, कि जो एंगल A है मेरा वो इक्वल है एंगल A के, ठीक है। दोनों क्या है इसके अंदर? कॉमन है जी, सेम टू सेम है। तो अपने दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए, आगे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते हैं, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो हम क्या कह देंगे कि बाय ए ए ए ए के द्वारा क्या कह देंगे कि जो ट्रायंगल होगी मेरी ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। ट्रायंगल साइंस से बना देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड पार्ट है, कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। हम ये चीज प्रूव करनी है ना, तो हमने ये चीज प्रूव की थी, ठीक है। तो ये करते हैं सेकंड पार्ट है कि बाय पार्ट वन, बाय पार्ट वन मेरा क्या था कि ट्रायंगल जो मेरी ए बी सी सिमिलर हो गई थी किसके? ए एम पी के। दोस्तों ट्रायंगल जब सिमिलर लिखते हैं तो इसका अपना एक तरीका होता है कि इसका ए एंगल ए के इक्वल है, बी एंगल एम के इक्वल है, सी एंगल पी के इक्वल है। इसका मतलब यही है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात थी। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं इनकी? उनके रेशियो इक्वल्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो मेरा सी ए, अगर मैंने यहाँ से ये लिया है तो यहाँ से भी क्या लेंगे? पी ए लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अब मैंने जो है बी सी ले लिया इस तरह से, तो यहां से क्या लेना पड़ेगा? एम पी लेना पड़ेगा, है ना, हो गए इक्वल। रीजन में क्या लिखेंगे यहां पे कि कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, साइड ऑफ ट्रायंगल्स, कि जो मेरी ट्रायंगल्स है उसकी क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। यही चीज इसके अंदर हमें प्रूव करनी थी दोस्तों। यहाँ खत्म हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सब क्वेश्चन में आ गया होगा। कुछ भी कैसा भी डाउट रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर मुझे आप पूछना चाहो कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करोगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।